क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार शर्मा। मनोज जी, क्या हुआ है पूरा मामला? सर ये घटना तो अभी हम तो नोएडा में थे, हमें मेरी बेटी मुझको फोन करके हमको बताई कि पापा निखिल नहीं रहा, तो हमने वहाँ से भागते हुए हम आए, अपने भाइयों को फोन किए और अपने यार दोस्तों को फोन किए, सबको फोन किया, फिर उसके बाद हम आए। जब आए तो उसको लड़के सन्नी को पूछे कि सन्नी ये घटना कहाँ हुआ है, वो डिटेल मुझे कुछ भी नहीं बताया अभी, उसने डिटेल मुझे कुछ नहीं बताया। तो हम पुलिस वाले को पूछे, पुलिस वाले को बोला कि मेरा बेटा कहाँ है, नहीं तो बोला कि वो इधर है। तब इधर कहाँ है भाई? तो डॉक्टर से जाकर पूछे, तो डॉक्टर से जाकर पूछा तो डॉक्टर से वो मेरी बेटी ने जो पूछने गई तो बोला कि वो बॉडी को पुलिस वाला लेके गया है, और मेरे आने के पहले मेरी अनुपस्थिति में मेरे बेटे कहाँ गया, किस जगह है, मुझे नहीं जानता। इसके पहले भी आज से 5 साल पहले मेरे छोटे बेटे का भी मर्डर हुआ था, जिसमें उसका हमने एक मर्डर होने की 1.5 महीना पहले हमने उसका सेफ्टी पिटीशन पांडव नगर थाने में हमने दे रखा था। तो अभी जो वारदात हुई है कहाँ हुई है वारदात? ये वारदात तो अभी पुलिस वाला का कहना है कि ये वारदात समस्तपुर के ठेके के पास में हुआ। अच्छा, लेकिन ये अब हकीकत क्या है ये तो मुझे नहीं मतलब पता, हकीकत तो पता चलेगा उस लड़के से जो उसके साथ में था। तो क्या किसी से किस तरीके कोई रंजिश वगैरह थी? नहीं, कोई रंजिश। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि वो लड़का दारू पी रखा था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, वो दारू नहीं पीता।